गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको लेकर भागलपुर समेत पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। विशेषकर दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में गणेश पूजा की धूम देखने को मिलती है, जबकि बीते कुछ वर्षों में उत्तर भारत के राज्यों में भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर गणेश चतुर्थी पर पूरे विधि विधान से पूजा और गणपति महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं भागलपुर के मिर्जानहाट, वारसलीगंज, सिकंदरपुर, भीकनपुर, सोनापट्टी, तिलकामांझी, खंजरपुरी, साकचक और बुढ़नाथ समेत कई इलाकों में प्रतिमा और पंडाल का निर्माण कर प्रथम पूज्य गौरीपुत्र गणेश की पूजा अर्चना की गई, जिसको लेकर पूजा समिति के साथ लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान गणेश पूजा समारोह स्थल के समीप आकर्षक सजावट की गई है, जबकि रंग बिरंगी रोशनी के बीच मेला का आयोजन किया गया है। मान्यता है कि सिद्धिविनायक मंगल मूर्ति गणेश को लड्डू काफ़ी प्रिय माना जाता है, इसलिए पूजा पंडालों में भोग के लिए बड़े बड़े आकार का लड्डू भी तैयार किया गया है, जबकि पूजा स्थल पर दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु भी गणपति महोत्सव को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान पूजा पंडाल में महादेव समेत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और बजरंगबली के अलावा भी और कई प्रतिमा की आकृति सजाई गई है, जो सनातन संस्कृति के महत्व को प्रदर्शित कर रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र समेत कुछ स्थानों पर 10 दिनों का गणपति महोत्सव मनाया जाता है, जो देश भर में आकर्षण का केंद्र है, जबकि अन्य सभी जगहों पर सुख समृद्धि और बुद्धि के साथ रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान गणेश की भादो मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को पूजा की जाती है, जिसके बाद विधि विधान से विसर्जन पूजन के बाद गणपति प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। भागलपुर में सेंट जोसेफ स्कूल के दो शिक्षकों द्वारा स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़खानी के प्रयास के मामले में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने स्कूल के प्राचार्य अमल राज का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को पुतला दहन करने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति दिखाने की बात कही। वहीं छात्र नेता द्वारा अनुमति की कॉपी नहीं दिखाने पर पुलिस ने छात्र नेता कुणाल पांडे और कुमार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि छात्र नेता बिना अनुमति के पुतला दहन करने जा रहे थे, जबकि एबीवीपी ने पुलिस पर स्कूल प्रशासन के दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से छात्र नेताओं को छोड़ने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने छात्र नेताओं को छोड़ दिया। पुतला दहन करने आए थे, जैसा कि पूर्व में घटना पटा है कि किस प्रकार से जो है छात्राओं के साथ 14 साल की छात्राओं के साथ जो है सेंट जोसेफ स्कूल के शिक्षकों ने, जो शिक्षा जगत को तार तार करता है, आज बताइए कि शिक्षा जगत शिक्षक कहाँ, मतलब शिक्षक का रूप नाम होता है गुरु, आज गुरु ही ऐसे करेंगे और सेंट जोसेफ स्कूल इसके प्राचार कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसमें अपना सीसीटीवी लगाकर उस कृत्य को देख रहे थे। उस पर जो है सीसीटीवी के माध्यम से जब उन्होंने देखा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राचार्य का पूर्ण रूप से जो है ये योगदान है। भागलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर नगरपारा गांव में एक ऐसा कुआं है जो पौराणिक इतिहास और सभ्यता को अपने में समेटे हुए है। बताया जाता है कि यह कुआं मुगल कालीन है और सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस कुआं का निर्माण साके संवत 1634 ईस्वी में तत्कालीन चंदेल वंश के राजा गौर नारायण सिंह ने करवाया था। यह कुआं बिहार में सबसे बड़े कुओं में एक है। इस कुएं के पानी की खासियत यह है कि इसे घेघा रोग छूट जाता है, इसलिए यहाँ भागलपुर, खगड़िया, बांका समेत आसपास के जिलों के लोग पहुँचते हैं और इसके पानी का सेवन करते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में इस कुएं में 7 रंग में पानी बदलता था और सबसे खास बात यह है कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखा। इतना ही नहीं, बल्कि जब 1934 में भूकंप आया तो भीषण तबाही मचाई और तब भी कुआं को नुकसान नहीं पहुंचा। वर्षों से तारनहार की बाढ़ जो रहे इस कुएं का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन कुएं का निरीक्षण करने पहुंचे तो इसके पौराणिक इतिहास, इसकी गोलाई, चौड़ाई और गहराई देख
चौंक गए। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को यहाँ बेहतर साजो सजावट लाइटिंग के निर्देश दिए ताकि जो लोग पहुँचे वो आकर्षित हो और इसकी महत्वता बरकरार रहे। ग्रामीण बताते हैं कि जब चापाकल नहीं हुआ करता था तब इस कुएं पर पूरे गांव व आसपास के गांव के लोग यहाँ से पानी भर कर ले जाते थे। हरिजन हो या राजपूत हो या ब्राह्मण, कोई भेदभाव नहीं था। कड़ियाँ उनके लिए अलग थी लेकिन उन्हें भी पानी भरने दिया जाता था। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह कुआं एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसका जीर्णोद्धार कर इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा ताकि लोग यहां आकर इसके पौराणिक इतिहास और महत्व को जान सके। कुएं का इतिहास मुगल कालीन के समय का है। जिस समय मुगल काल का शासन था उस समय से ही कुआं, अंदाज है कि लिखावट के अनुसार इस कुएं का निर्माण उसी समय में हुआ है। साकेत 1634, संबत 1770 और ईस्वी तो नहीं दिया हुआ है, ईस्वी तो नहीं दिया है, इसके अनुसार निकालना है। ऐतिहासिक यही है और इसका खूबी यही है पानी का, कि पानी का पीने से गला रोग जो है, घेघा रोग, वो दूर हो जाता है। ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना कुआं बताया जा रहा है और ये जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने इसका एक एस्टीमेट बनाया और जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो है एक पुरानी जो धरोहर है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है उससे इसको संरक्षित रखने में काफ़ी सुविधा। नवगछिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 20 लाख रुपए डकैती कांड के मास्टरमाइंड को नवगछिया पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 24 जनवरी की सुबह एनएच स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर 20 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा निवासी पंकज सिंह नवगछिया में हुए बैंक डकैती कांड में मुख्य मास्टरमाइंड था, जिसने बिहार के साथ साथ राजस्थान और झारखंड में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। SP ने बताया कि पंकज सिंह को गुजरात के भुज जिले में फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर छिपे रहने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद नवगछिया पुलिस की 4 सदस्यीय टीम गुजरात गई और वहाँ के स्थानीय थाना के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। SP ने कहा कि पंकज सिंह के पास से 3 फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया गया है, जिसमें संदीप कुमार शर्मा, संतोष मिश्रा और दिलीप कुमार के नाम दर्ज हैं। सभी फर्जी दस्तावेजों में उसका पता बिहार के गोपालगंज के रूप में दिया गया है। SP ने बताया कि पंकज सिंह पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक केस दर्ज है। अपराधी पंकज सिंह की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24/1/23 को NSP एक बैंक था, उसमें घटना, लूट की घटना हुई थी, जिस संबंध में नवगछिया थाना कांड संख्या 1623 दर्ज किया गया था, उसमें 5/21 का पल गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। जैसे एक शातिर अपराधी जो पूरा घटना का ये प्लानिंग किया था, योजना बनाया था, ये अंतर्राज्यीय आप जो कह सकते हैं, केवल बिहार ही नहीं, राजस्थान में, झारखंड में भी लूट इसने किया है और बिहार के भी कई थानों में बैंक लूट एवं अन्य लूट घटना का अंजाम दिया है। तो पंकज सिंह उसका नाम है, काफ़ी दिन लोग काम कर रहे थे। जानकारी हम लोग को मिली कि गुजरात में भुज जिला अंतर्गत एक समख्याली थाना है, वहाँ पे वो छिपा हुआ है। जानकारी मिलते ही DIO की टीम और थाना अध्यक्ष नदी मुकुंद मुरारी, थाना अध्यक्ष झंडापुर अजीत, ये चारों आदमी वहाँ पर गए और वहाँ का जो स्थानीय थाना से संपर्क मैंने किया, वहाँ के SP साहब से मैंने संपर्क किया, स्थानीय पुलिस सहयोग मिला और उस सहयोग से पंकज सिंह को गिरफ्तार किए। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे को पिछले तकरीबन 11 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उस बीच में अंग्रेज़ी दवा ले रहा था, तो उसमें जो है काफ़ी तरह का परहेज़ बताया गया था, जैसे कि चावल, मीठा, आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाने का। फिर मैंने YouTube पे एक बार वीडियो देखा, जिससे कि मुझे लगा कि नहीं, मेरे को एक बार दिखाना चाहिए, बट फिर मैं यहाँ पे आया
उस समय मेरा जो है अंग्रेजी दवा चल रही थी मेरी, और मेरा शुगर लेवल जो है खाना खाने के बाद जो है 230 था। इसके बाद मैंने सर को दिखाया और मेरा जो है सर का दवा लेने के बाद अभी मेरा शुगर जब से मैंने लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा एक हफ्ता बाद से। और इसके बाद जो है अभी मैंने 5 महीना दवा खाया, 5 महीना दवा खाने के बाद अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका। भागलपुर के कबीरपुर स्थित श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में मंगलवार से दशलक्षण महापर्व शुरू हो गया है। महापर्व के पहले दिन उत्तम क्षमा धर्म की उपासना की गई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। जैन सिद्ध क्षेत्र के मंत्री सुनील जैन ने बताया कि दशलक्षण महापर्व जैन धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है और इस दौरान जैन धर्मावलंबी 10 गुणों की उपासना करते हैं। उन्होंने बताया कि इस पर्व के दौरान जैन मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस पर्व में भाग लेने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत बिहार के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्यव्यापी अभियान के तहत भागलपुर में मंगलवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में जदयू के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, प्रवक्ता शिशुपाल भारती, संजय राम सहित काफ़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार में जाति जनगणना को लेकर लगातार विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार को जातिगत जनगणना का अधिकार नहीं है, इसको लेकर कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया गया था। वहीं जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। भागलपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत में 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा था, जहां 50% आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा रुचि नहीं रहने के कारण बिहार में मात्र 13% ही आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य हो सका है। राकेश कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने गरीबों को इस योजना से दूर रखा है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान आयुष्मान कार्ड योजना चलाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। लेकिन आपको बता दें, पूर्व में तय हुआ था कि 17 से 2 अक्टूबर तक हम विशेष अभियान चलाएंगे, लेकिन कल भारत की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो इस देश की इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। कल महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो पहले से जो तय था कि भाई इस विषय पर बोलना है, लेकिन इतना बड़ा निर्णय आया है तो स्वाभाविक है आपका भी क्वेश्चन इस पर होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, शुभकामनाएं।